तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको अपने काम के बारे में जानकारी तो दे ही चुके हैं और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो नया CSC सेंटर खोला है, जो वीडियो बनाई है आपने, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, ये दुकान रखने के लिए क्या क्या सामान चाहिए और कौन कौन सी साइट गवर्नमेंट कौन कौन सी साइट चाहिए होती हैं। आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आप लोग बने रहिए, पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगी और पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, क्या क्या साइटें लगती हैं, कौन कौन से आपको मशीनें चाहिए होंगी, सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इस तरह का बोर्ड बनवा लेना है, ये पुराना बोर्ड है मेरा और नया बोर्ड आपको इस तरह से बनवाना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखवानी होंगी, प्रिंट कराना होगा। और आप लोग चाहें तो दूसरे तरीके से भी बनवा सकते हैं। और दूसरा बोर्ड मैंने ये दुकान के अंदर लगा रखा है, ये आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ये देखिए। और बाकी आप लोग ये देखिए, जाति आय निवास आयुष्मान कार्ड ई श्रम कार्ड श्रमिक कार्ड पैन कार्ड फिनो पेमेंट बैंक है मेरे पास और वाहन बीमा भी मैं करता हूँ, दो पहिया चार पहिया वाहन। ये अभी दुकान मेरी खाली पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ मोबाइल वगैरह का एसोसरीज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी साथ में रख लूँ। अब दोस्तों हमारे पास जो हमको इसके लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है मेरे पास लैपटॉप एसर का है और कोशिश कीजिए कि 25-30 हज़ार से कम वाला लैपटॉप ना हो, क्योंकि इसमें कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो काफ़ी प्राउड फील होती हैं। और ये लैपटॉप रहा। और आपको एक चाहिए होगा ये इस तरह का प्रिंटर, ऑल इन वन का प्रिंटर है ये, एप्सन का, एप्सन 360L360 की सीरीज है, ये प्रिंटर आपको चाहिए होगा। और एक है मेरे पास लेमिनेशन मशीन, ये छोटी वाली मशीन है 1400-1500 रुपए तक की आपको मिल जाएगी। और ये प्रिंटर आपको 12,000-14,000 के बीच मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पुराना प्रिंटर है, आप लोग पता कर लीजिए, एग्जैक्ट चीज़ नहीं मालूम है। और ये इन्वेटर और बैटरा छोटा सा ही लगा रखा है, क्योंकि यहाँ लाइट 24 घंटे रहती है लगभग। उसके बाद आपको चाहिए होगा स्टेशनरी में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेशनरी में सबसे पहले आपको A4 साइज का फोटो पेपर लेना होगा, ये इसकी कीमत जो है 60 रुपये का पाव जाता है, इसमें 20 पेज निकलते हैं। इस पर आप फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं, आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, पैन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा आपको A4 साइज का ये पेपर चाहिए होगा, ये हमको मिलता है इस समय 260 रुपये का, इसमें 500 शीट निकलती हैं, बिंडल्स का है ये। और उसके बाद आपको चाहिए होगा ये नॉमिनेशन रोल, जैसे राशन कार्ड वगैरह पर लोग चढ़वाने आ जाते हैं नॉमिनेशन कराने के लिए। बाकी ये आपको नॉमिनेशन A4 साइज का ये पेपर चाहिए होगा, मार्कशीट वगैरह है, आय जाति निवास प्रमाण पत्र है उस पर चढ़ाने के लिए। और दूसरा नॉमिनेशन ये है आधार कार्ड पैन कार्ड DL वगैरह पर लोग चढ़वाते हैं, ये एक साइज ये हो गया और एक साइज ये हो गया, ये दो साइज हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इसकी मार्केट में कीमत लगभग एक गड्डी की लगभग 120 के समथिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पिछले साल ये लिया था, मुझे लगभग 8 से 10 महीने हो गए इसको ख़रीदे हुए, बाकी आप लोग मार्केट में जाके पता ही कर लेंगे। और आपको फिर चाहिए होगी एक ये कैंची फ़ोटो वगैरह काटने के लिए, दूसरा आपको चाहिए होगा ये डिवाइस, मेरे पास मॉर्फो की है और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मंत्रा की ख़रीदें तो बेहतर है, क्योंकि मॉर्फो कुछ जगहों पे काम नहीं करती है तो उसको सेट करना पड़ता है और मंत्रा मैंने ये सुना है कि हर जगह काम करती है। और एक आपको स्टेपलर चाहिए होगा, एक आपको पैड चाहिए होगा अंगूठा लगाने के लिए, क्योंकि जब आप आय जाति वगैरह बनाएंगे तो आपको इस टाइप का ये पैड भी चाहिए होगा, 10-20 रुपए का ये मिल जाता है मार्केट में, ज़्यादा कुछ नहीं है जनसेवा केंद्र में खर्चे का वहाँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप के अंदर कौन कौन सी साइटें आपको चाहिए होंगी, चलिए शुरू करते हैं।
ये देखिए हमारे पास एक तो है ये साइट ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इससे आय जाति निवास और यहाँ से हम दिखाते हैं आपको ये सब बना सकते हैं आप। आय जाति निवास है, हैसियत प्रमाण पत्र है, विकलांग सर्टिफिकेट है, ये सब इससे बनाए जाते हैं। और दूसरी साइट आपको चाहिए होगी ई सी एस सी डिजिटल सेवा, इससे बिजली का बिल, टेलीकॉम, डीएच, डीटीएच, हेल्थ, गैस, गवर्नमेंट, बैंकिंग और बीमा, आप वाहन बीमा भी यहां से कर सकते हैं। और इनको परचेज करने के लिए आपको सीएससी के लिए तो आपको एक परीक्षा देनी होती है, वो आपको देनी होगी। और ई डिस्ट्रिक्ट के लिए वो आपको सीएससी के माध्यम से ही मिल जाएगी। अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई नियर ब्रांच आपके पास हो सीएससी वगैरह की तो आप वहाँ जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बस दोस्तों और कुछ नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं है जनसेवा केंद्र लगाने के लिए। मेरे हिसाब से 30 और 20 लगभग 50,000 रुपये में आप एक छोटी मोटी दुकान रखकर बैठ सकते हैं और अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो अपने ब्लॉग पर लाता रहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फुल जानकारी दे सकूँ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।